नमस्कार, ये नए सब रंग में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कुछ हटके स्टोरी में आज मैं आपको ले चलता हूँ लातूर के माली गली। इस इलाके में शबील शाह मस्जिद में एक अनोखा उपक्रम मनाया गया है, जिसमें जो बच्चा 40 दिनों तक फ़र्ज नमाज अदा करता है उस बच्चे को साइकिल देने का यहाँ की कमेटी ने वादा किया था और वो वादा आज पूरा किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बच्चे ठहरे हैं, इन बच्चों को साइकिल दी गई है। बच्चे के हाथ में 100-100 रुपए का लिफाफा है, ये लिफाफा 100 रुपए का इनाम तोहफा दिया गया है। ये वो शबील शाह मस्जिद है। हमारे कैमरामैन जी से कहूँगा कि मस्जिद बताएं। इस मस्जिद में एक अनोखा उपक्रम लातूर में पहली बार किसी ने लिया गया है। इनकी ऐसी मंशा है कि 7 साल से 15 साल तक के बच्चे 5 वक्त नमाज पढ़े, इसका मकसद ये है। हमारे साथ कमेटी के कुछ लोग हैं, मैं उन्हीं से जानूंगा कि ये क्यों आपने ऐसा अनोखा अंदाज में कार्यक्रम लिया, क्या कहें। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा रखने का मकसद ये था कि 7 साल से 15 साल तक उम्र का जो बच्चा है, ये बच्चे को नमाज की एक आदत लगे और ताकि एक मस्जिद वाला बने। इसके वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहल्ले में इतना सारा फ़र्क पड़ा कि बहुत सारे बच्चे नमाज के लिए नमाज के पाबंद बने। और बाकी हमारे जो मस्जिद की कमेटी है, कमेटी के जो अदरा हमारे कुछ बुज़ुर्ग हैं, कुछ हमारे नौजवान हैं, हमारे पुस्वाती है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इतना जम के हिस्सा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को बहुत अच्छे तरीके से ये हो गया। और बच्चों ने भी इतना अच्छा कि बच्चों की खुशी और बच्चों का ये देख के कि एक जज्बा ये हो जाता है कि एक बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी बच्चा बगैर इसका नहीं है। और जस्ट उस दिन से आज तक हमारे मोहल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का इतना अच्छा हो गया कि एक बेहतरीन से बेहतरीन नमाज। कितने बच्चों ने हिस्सा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह? इसमें 45 बच्चों ने हिस्सा लिया था, तो इसमें से 22 बच्चे जो है सो कॉम्पिटिशन में ये सक्सेस हो गए। हमारे साथ दूसरे कमेटी के सदस्य हैं, बागन भाई गली शबील शाह मस्जिद की तरफ से ये साइकिल वाटअप का कार्यक्रम है कमेटी की तरफ से, तो सभी बच्चों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभेच्छा और यहाँ पे प्रोग्राम अच्छा होगा और सभी बच्चे नमाज के लेने का मकसद क्या है आपके? ये बच्चे 5 टाइम नमाज की तालीम हासिल करे और 5 टाइम नमाज की पाबंदी करे, इसलिए बागन भाई गली में ये उपक्रम रवाया गया है। कितने की एक साइकिल होगी? ये 4,000 के आसपास साइकिल होंगी। ऐसे कितने साइकिल? 22 साइकिल दिए, 22 साइकिल का वाटअप होगा। हमारे साथ जो बच्चे साइकिल जीते हैं, ऐसे दो बच्चे हैं, खुशी हो रही है? हाँ जी। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मुस्तकीम। कितनी उम्र है आपकी? 13 साल। अच्छा, क्यों साइकिल मिली आपको? देखिए, यहाँ पर हमारे मोहल्ले में मस्जिद शबील शाह वली में एक कॉम्पिटिशन रखा गया था, जिसमें जो बच्चा 40 दिन नमाज पढ़ेगा उसे एक साइकिल दी जाएंगी, तो उसी जानिब से ये साइकिल दी गई है। खुशी होती है? जी। कितनी खुशी? बहुत। आप और जो बच्चे इस हिस्से में हिस्सा लिए और वो हार गए, उन बच्चों को क्या कहें? वो बच्चे कुछ तकलीफ की वजह से आ नहीं सके, इसलिए उनके नहीं मिला। हाँ। ठीक है, क्या कहें बता, क्या नाम है आपका? शेख जिशान रफीक। कितनी उम्र है आपकी? 14 साल। क्या क्यों गिफ्ट मिले साइकिल आपको? हमने 40 दिन ये शबील शाह मस्जिद में नमाज पढ़ी, हमें मस्जिद के मौलाना सभी ने कहा 40 दिन नमाज पढ़ने पर एक साइकिल इनाम, इसलिए हम 40 दिन नमाज पढ़े। कितने बच्चे हिस्सा लिए थे इसमें? 45 बच्चे हिस्से लिए थे, तो 22 बच्चे जीत गए, 22 जीत गए। बाकी के बच्चे की प्रॉब्लम थी, तबीयत खराब, शादी वगैरह की वजह से वो बच्चे आ ना सके। इतनी सर्दी थी उसके बावजूद फजर की नमाज कितने बजे होती थी? फजर की नमाज 6:25 6:30 बजे। तो आप उठ के आते थे उत्तर से? हाँ, आते थे। बाकी बच्चे आप जिसका जो प्रॉब्लम होने है। कितने कितने दिन नहीं आए बाकी बच्चे? दो तीन दिन नहीं आए बाकी। तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा। क्या क्या मिला? साइकिल, पैसे, कितने मिठाई? 100 रुपये। खुशी हो रही है? हाँ। तो आगे क्या करेंगे? नमाज पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। और बाकी बच्चों को बोलेंगे? हाँ, बोलेंगे इंशाल्लाह। तो ये वो बच्चे थे जो जिन्हें इनाम मिला है साइकिल और 100 रुपये। इनका कमेटी का कहना यह है कि अगर हम इस तरह से बच्चों को आकर्षित करेंगे नमाज की ओर, नमाज में शिष्टाचार और समाज में किस तरह से जिए वो सिखाया जाता है, नमाज ही नहीं बल्कि समाज में किस तरह से रहना चाहिए, इसका अचूक उदाहरण यहाँ के लोगों ने दिया है।
कैमरामैन संतोष माने के साथ हरुण सैयद, ईना न्यूज़, लातूर, महाराष्ट्र।